पता नहीं क्या सूझ है, रात को बारबेक्यू कर रहे हैं। और पता है कोयले बिल्कुल भी सही नहीं है, जो जलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब बता दो, चीख चीख के सारी स्कीमें बता दो। और ये मैं इधर पुलाव बना रही हूँ, मैंने कहा मैं क्या करूँगी, चलो मैं भी पुलाव बना लेती हूँ। और ये तपीला हमारा नहीं है, ये यहीं का है इनका, ये हमारा है। और मैं यहाँ बैठकर लाइट जलाई है मोबाइल की, और यहाँ बैठकर मैं कटिंग कर रही थी। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। तो भाई मेरा तो पुलाव भी तैयार हो चुका, मैंने डब्बे में भी भर लिया। लड़का थक गया है अब। अनथक मेहनत के बाद इसके तैयार हुए, कैसे तैयार हुए पता नहीं। अब नहीं बनाओगे? खून नहीं दिखाना, उसके नाक से खून निकल रहा है। कॉपीराइट आता है। दो मुझे टिश्यू दो। अज्जू की आदत है, उसको नाक से खून निकल जाते हैं। हाँ। फेंक दो, दूसरा टिश्यू दो उसको। हट तो, नहीं सही हो गया, अभी पानी नहीं लगा। तो गाड़ी हमारी रेडी है। हम लोग यहाँ पर रुके थे, यूँ देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल विलेज लाइफ का, बिल्कुल विलेज स्टाइल का है। ये हमारा कमरा था। तो ये है कि अगर लड़के लड़के हो तो उनके लिए तो बेस्ट है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सस्ता भी मिल जाता है, अच्छी जगह है। और अगर फैमिली के लिए है तो गुजारे वाला है भाई, हमने भी गुजारा किया है, समझो जो ना हो तो उसके लिए समझे। और ये एक बहुत ही घना माशाल्लाह प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, इसमें अखरोट भी लगे हुए बहुत सारे। वो हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, पीछे सारे पहाड़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम ज़ियारत। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज तारीख है 15 अगस्त 2024। हम ज़ियारत में मौजूद हैं। पिछली व्लॉग में आपने देखा कि हम ज़ियारत पहुंचे थे और फिर जो है रात को हमने वीडियो को एंड कर दिया था। अभी हम अपने जहां हमने रूम लिया था, गेस्ट हाउस बोल लें या होटल बोल लें, वहाँ से अभी हमने चेकआउट कर दिया है। और मेरे ग्लासेस कहाँ हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। रात को बहुत अच्छी ठंड थी, बहुत अच्छा मौसम था, मतलब आधी रात को तो आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा था। लेकिन सुबह होते ही जो है मतलब 10 बजे के बाद से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तकरीबन 30 से 32 टेम्परेचर है, फील लाइक 33.5 है सैली। तो हमारा इरादा था कि ज़ियारत में जो है 0 पॉइंट जाएंगे, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट ही अच्छे हैं ऐसे जो आप इजीली जा सकते हैं। 0 पॉइंट है, रेजिडेंसी है। अब रेजिडेंसी की तरफ जाके देखते हैं, अगर खुला होता है तो चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ से ऊपर जाते हैं तो कायदे आज़म रेजिडेंसी का रास्ता यही है, बाकी जो है यहाँ भी जो है चढ़ाइयाँ अच्छी खासी हैं, बस 2-4 ही हैं फिर 0 पॉइंट पे हैं बड़ी चढ़ाइयाँ। मुझे नहीं लगता कायदे आज़म रेजिडेंसी खुला होगा, जिस तरीके से कल बंद था। और ये सारा कायदे आज़म रेजिडेंसी है ऊपर और बंद है, नहीं खुला हुआ। चलो माशाल्लाह खुला हुआ है भाई। तो भाई साहब अभी हम पहुंचे थे कायदे आज़म रेजिडेंसी, और यहाँ पे मैंने पार्किंग दी गाड़ी की, गाड़ी यहाँ पार्क करी। तो ये एक आईलेक्स डाला है यहाँ पे, भाई गाड़ी साफ कर रहे थे, तो इन्होंने आके बताया कि भाई आप अगर चकोर चंगी जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊँगा 3,500 रुपये। जी जी हाँ, आप मुझे कम दे दो,
अभी भी वो नहीं ना, हम अकेला जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम अकेला जाना चाहते हैं। आप उनको छोड़ के आएगा क्या पहले? क्या नहीं सर, मैं क्या शायद आपके तो फिर हम अंदर चक्कर मार के आते हैं, आप होकर आओ फिर सर। आ जाओ, हाँ नंबर आपके पास आ गया मेरा, आप आ जाओ, फोन करो तो हम फिर आ जाते हैं। पांच जने मोबाइल से तो वीडियो बना सकते हैं ना। ये फर्स्ट लुक ठीक है, तो यहाँ आईडी कार्ड भी लाजमी जमा करें। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब ये है कायदे आज़म रेजिडेंसी, उसका जो पार्क है बहुत खूबसूरत है यार। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पाकिस्तान का परचम, और ये कायदे आज़म। नहीं सही है, नहीं सही है। पाकिस्तान पर हम जिंदाबाद करेंगे में। आओ अंदर चलते, मैं फिर काले हो जाएंगे। हम लोग जो है वीडियो के दौरान ही पिक्चर ले लेते क्योंकि सेम पिक्चर आती है, जो फोटो से क्लिक करें या वीडियो में से आप कैप्चर करें तो सेम रेजोल्यूशन आती है, बल्कि वीडियो की ज़्यादा अच्छी आती है। और अंदर जाने के लिए जूते उतार के जाने पड़ते हैं, तो हम पहले पार्क विजिट करेंगे हाँ, और फिर बाद में हम अंदर चलेंगे। यहाँ के तो बड़े बड़े ये दरख्त देखो, दरख्त का साइज देखो माशाल्लाह, और वहाँ फ्लावर गार्डन है। कल ज़्यादा रश था, आज कम है। अच्छा कल नहीं है, कल तो यहाँ जगह नहीं मिलती, जैसे वो ईद पे जो था ना रश, ऐसा रश होता है जैसे ईद पे कितना ज़्यादा रश था। वो देखो कितना प्यारा फूल है, तोड़ना नहीं, ये गुलाब का है। एक बहुत खूबसूरत गार्डन बना है, वहाँ पे भी कुछ है, वो पता नहीं क्या है, कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने बोला नहीं। अंदर जाते तो वही ये सब कायदे आज़म की जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेड और फर्नीचर वगैरह। कुछ चीज़ें जो है ओरिजिनल है, कुछ चीज़ें जो है बाद में ली हुई है। ये देखिए ये दरख के अंदर क्या है, ये बेगम बोल रही है कि ये घोंसला है, लेकिन ये घोंसला नहीं लग रहा है, ये तो देखो पूरा एक बलून टाइप है, फंगस निकला हुआ है शायद पानी से जैसे निकल आता है। और ये 110 साल पुराना दरख्त है, इसको 110 साल हो चुके हैं, काफ़ी घना है माशाल्लाह, अभी भी इसमें कोई कांटेदार फ्रूट नज़र आ रहा है, बोल जैसे कांटेदार, क्या कहते हैं इसको ये कोई बताइएगा कमेंट्स करके। अब चलते हैं सामने से इसका एक व्यू लेते हैं, बच्चे तस्वीर ले लें, फिर चलते हैं आगे। हमने डाले वाले से बात करी है, वो बोल रहा है कि आपको ले जाते हैं आबशार पे, हमने कहा चलो चलते हैं देख कर आते हैं आबशार भी। ये है जी कायदे आज़म रेजिडेंसी। चले वो जूते यहाँ बाहर उतारे, उसके बाद फिर अंदर चले। ये एंट्रेंस सबसे पहले चलते ऊपर, खाने का कमरा, डाइनिंग टेबल,
हम चलते ऊपर। और ये देखिए भाई, वुडन, फुल वुडन जो है स्ट्रक्चर है, और जैसे अंग्रेजों के घर होते थे इस तरीके का, बहुत पुराने जो है आर्किटेक्ट में, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है इसका, मॉडल है, उस जमाने का मॉडर्न है, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत, लेकिन इधर खुशबू आ रही है पॉलिश की, जैसे इसको हर महीने इसको पॉलिश करते हैं। और ये कायद आलम का ज़ाती इस्तेमाल का कमरा, लॉक्ड है, तो मैं फातिमा जीना का ज़ाती इस्तेमाल का कमरा भी लॉक। ये टेरेस, तो जी ये टेरेस है, यहाँ हमने नीचे जूते उतारे थे, यहाँ से ये व्यू है। ये एक दूसरी साइड से, यहाँ पर हमने जो है, ये 110 साल पुराना दरख्त है, उस पर लिखा हुआ है, बहरहाल जो भी। और ये मेन एंट्रेंस का व्यू है यहाँ से, अब चलते हैं नीचे। यहाँ ऊपर सिर्फ टेरेस ही है, हैं? की भी नहीं टेरेस है कल, देखते हैं भाई बेगम साहिबा बोलिएगा उस तरफ क्या है, वहाँ भी टेरेस ही है, बालकनी, गार्डन का दूसरा हिस्सा है। ये साइम खड़ा हुआ है, तो ये दोनों माँ बेटियाँ खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि इनका, कि मैं आऊँ और राशन लेके आऊँ, फिर ये कुकिंग शुरू करें। साइम नीचे खड़ा हो, साइम हाउ आर यू, फाइन। ये भी अखरोट का दरख्त, फोन शुरू हो गए, अभी चलते हैं नीचे का रूम देख लेते और फिर बाहर निकल। ये गाड़ी वाला आ गया, गाड़ी वाला आ चुका है, तो भाई गाड़ी आ चुका है, अभी चलते हैं चश्मे की तरफ और नीचे चलते हैं, नीचे का एक विजिट करते हैं, रूम आपको दिखा दें नीचे के। ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है, पुराने ज़माने का, बहुत खूबसूरत है, पॉलिश किया हुआ है और बहुत चमक रहा है। ये कुछ अरसे पहले, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, 2010 में या 7 में इसको जो है दहशतगर्दों ने पूरा तबाह कर दिया था, उसको दोबारा रेनोवेट किया गया है। और इसके बाद जो है जी, ये वाला रूम देख लो, ड्राइंग रूम देख लो, ये लॉक रहता है, ये खोलते कम है। तो भाई ये ड्राइंग रूम, कायद आजम मोहम्मद अली जिना साहब का जो है, और ये बलूचिस्तान के नवाब साहब के साथ कायद आजम साहब की तस्वीर है। और ये अंगीठी बनी हुई है चिमनी, इसमें आग जो होता है, इसकी सफाई के ब्रश वगैरह, और ये सब चीज़ें अपने को देखने में नॉर्मली नहीं मिलती हैं, ये अंग्रेज़ों के घरों में ज़्यादा होता है, यूके वगैरह में, उनमें ऐसी चिमनी वगैरह बनी होती है। और ये देखो बटन्स, देखो पुराने स्टाइल के वुडन, तो जी अभी सामने का रूम विजिट करते हैं, वो डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल है, ये चाइनीज पेंटिंग, और यहाँ पर भी चिमनी बनी हुई है, और ये कमरा लॉक्ड है, ये डाइनिंग टेबल वगैरह, फर्नीचर, पता नहीं फर्नीचर पुराना है, ये फर्नीचर वही ज़माने का है कि नया, ये बात कर रहे हैं, नहीं फर्नीचर दूसरा है, और ऊपर ऊपर ये हाँ खाने का कमरा है। तो ये विंडो, यहाँ से बाहर का व्यू आता है, और ये डाइनिंग हॉल है, खाना खाया जाता है, माशाल्लाह जी। चले अब चलते हैं बाहर, और अपना गाड़ी वाला भी आ चुका है, तो अपन चलते हैं, जाके विजिट करते हैं।
और ये एक मिरर। चले जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, विजिट किया, आप लोग भी बताएगा आपको कैसा लगा। चले काजल रेजिडेंसी को अल्लाह हाफिज करते हैं और चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और अपना गाड़ी वाला बाहर ही खड़ा हुआ है भाई, अब यहाँ से वापसी करते हैं, अल्लाह हाफिज, और चलते हैं, और वापसी में अपना शनाख्ती कार्ड लेना ना भूले, जल्दी जल्दी में आप निकल जाएंगे वो यहीं रह जाएगा, फिर आपको वापस कराची से लाहौर से यहाँ आना पड़ेगा शनाख्ती कार्ड लेने। तो अब चले एग्ज़िट करते हैं, तो गाड़ी आ चुकी है बाहर, तो भाई साहब चलें बाहर, वो बोलते गाड़ी आया है, कार में तो नहीं जाना, डाला जाता है तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। चले चलते हैं, गाड़ी वाले का फ़ोन आया था आपकी गाड़ी के पास गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी के पास तो कोई टूडी खड़ी हुई है, टूडी में तो नहीं जाना है हमें, और कुल्फी वाला भी आ चुका है भाई, ये 3500 बोल रहा था, मैं 2500 बोले, एक घंटा जाने का एक घंटा आने का, लेकिन हमें टूडी में तो नहीं जाना। पूछता हूँ उससे, जी भाई जैन ये गाड़ी भेजा है? नहीं गाड़ी आ रहा है, डबल डबल डोर पिकअप है। अच्छा कहाँ है, आ गया? दो मिनट सब उतर अभी आ गया। चले चले भाई अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, अब ये टू डी डाला मंगवाया, मैं तो समझे टू डी है, डाला मंगवाया है, उधर वो आते हैं 5 मिनट वो फिर आपको ले जाते हैं, और अपनी गाड़ी फिर इधर ही खड़ी रखेंगे हम, ये सेफ पार्किंग है, टेंशन नहीं रहेगी, वरना नीचे कहाँ अभी पार्किंग करने जाएंगे, जगह देख कर आते हैं क्या है यहाँ पर।